रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड स्थित यह शाह कॉलोनी एरिया है, जहां विकास योजना की राशि सड़क बनाने के लिए किया जाना था और यह राशि का उपयोग सड़क छोड़ करके यहां स्थित एक मंदिर है, महावीर मंदिर है, गांधीनगर, स्थापना 1965 बताया जा रहा है, इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िले के ब्लॉक स्थित कर्मचारियों की मिलीभगत से ये सड़क निर्माण की राशि को मंदिर में लगा दिया गया है और मंदिर का विकास कर दिया गया है। यहाँ हमारे पास स्थानीय व्यक्ति हैं मनीष जी, क्या बात हुई, किस तरह की घटना यहाँ हुई है? सर जी, एक्चुअली ये रोड का पैसा आया था और इसको मंदिर में लगा दिया गया है। कंप्लेन करने पर पंचायत सेवक के द्वारा कहा जाता है कि तुमको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। RTI रिपोर्ट मांगे थे, उसी में बोला गया है। कितना का ये योजना था? ये 4,99,000 का था। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 14वें वित्त आयोग की मदद द्वारा योजना बनाया गया था। मुखिया राजकुमार हैं, ग्राम पंचायत शाह कॉलोनी पतरातू, जो योजना का नाम है शाह कॉलोनी के महावीर मंदिर परिसर से सत्येंद्र पांडे के घर तक फेवर ब्लॉक सड़क निर्माण। योजना संख्या 10/2019-20, प्राकृत राशि 4,99,900 रुपया है। और ये देख सकते हैं कि यह मंदिर में किस तरह का सड़क है, मंदिर ही है लास्ट में और ये सड़क बना दिया गया, अर्थात यह कह सकते हैं कि पूरी राशि सुनियोजित तरीके से खर्च कर दिया गया है और सड़क का पता ही नहीं चल रहा है। यह पतरातू प्रखंड का मामला कोई नया नहीं है, पुराने मामले हैं, इस तरह कई मामले यहाँ आ चुके हैं। पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, BPO हो, BDO हो, सभी मिलकर के योजना को लाभुक तक नहीं पहुँचने देते हैं और योजना का दुरुपयोग कर देते हैं। यह खुलासा यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने के बाद मिली है। देखते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि मंदिर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाया जाए, मंदिर का विघटन किया जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि सरकार की जो योजना है, जिस योजना के लिए राशि प्राकलन की जाती है, बनाई जाती है, उसमें उसका उपयोग होना चाहिए। हालांकि मंदिर नवनिर्माण, मंदिर निर्माण कार्य हो, इसमें किसी तरह का कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जब RTI में मांगा जाता है, जब इसकी योजना के बारे में जानकारी पूछी जाती है, तो अधिकारी न जवाब देते हैं बल्कि मांगने वाले पर धमकी भी दे देते हैं। यह बड़ा ही विचित्र बात कही जा सकती है। कैसे मामला सुलझेगा यह तो समय आने पर ही बताया जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है इस माध्यम से संज्ञान दिलाने के लिए अधिकारियों को कि जिस उद्देश्य से योजना बनाई जाती है उस पर अमल हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आम जनता को विश्वास टूटेगा और इसका अनर्थ भी हो सकता है। जयंत कुमार, राष्ट्र समर्पण, रामगढ़।